हेलो एवरीवन, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे उपवास का महत्व। उपवास आखिर में क्यों किया जाता है? लोग इसे ज़्यादातर धर्म के नज़रिए से देखते हैं। श्रावण उपवास, श्रावणी सोमवार करते हैं। श्रावण महीने में तो कुछ लोग पूरा महीना ही उपवास करते हैं हर सोमवार। दोस्तों, उपवास का देखा जाए तो धर्म से कोई लेना देना ही नहीं। उपवास होता है आपकी बॉडी के लिए, आपके पेट के लिए। जितना आप कम खाओगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। पहले के ज़माने में लोग रात को सूर्यास्त के बाद कभी नहीं खाते थे, लेकिन आज सब लोग भूल गए। उपवास में तो हफ्ते में एक दिन उपवास तो करना ही चाहिए, क्योंकि जितना आप कम खाओगे उतना हेल्दी रहोगे। जितना आप भूखे रहोगे आपका दिमाग उतना तेज़ रहेगा और आपके अंदर जो एनर्जी है वो भी कम नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि कम खाओ। रात को तो 50% ही खाओ, जितना खाते हो उतना उससे कम खाओ, 50% ही खाओ। 8 बजे के बाद तो बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। लेकिन जो मेन बात है वो उपवास क्यों किया जाता है। उपवास करने से बहुत सारे फायदे हैं। दूसरा, अगर पहले के ज़माने में ऐसा बोलते थे कि लड़कियों को उपवास करना चाहिए, अच्छा वर मिलेगा, इसके पीछे जो एंगल है कुछ अलग है। उपवास का मतलब ये है कि अगर पति के घर में खाने को ना मिले तो भी जो पत्नी है वो वहाँ पर एडजस्ट हो सके। इसीलिए उपवास किया जाता है ताकि आदत बने। जितनी आदत बनेगी उतना पति के लिए अच्छा रहेगा, यानी कि गरीबी। लेकिन दोस्तों, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। उपवास हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए महावीर ने उपवास बहुत किए, बुद्ध भगवान ने भी उपवास बहुत किए। लेकिन धर्म के एंगल से देखा गया तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप अगर उपवास करोगे, अगर नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन कम खाओ। एक नियम बना लो कि आज के दिन मुझे कम खाना है। रात को हो सके तो 50% खाओ। जितना आप रात को कम खाओगे आपको ना गैस होगी, ना एसिडिटी होगी, ना ही कोई बड़ी बीमारी होगी। डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान रहे, जितना कम खाओगे उतना ज़्यादा जियोगे। खा खा के ही लोग मर जाते हैं। फास्ट फूड खाते, कोल्ड ड्रिंक्स पीते। कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल मत खाओ, मत पियो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स से बहुत सारी बीमारी होती है। सबसे पहला होता है डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बहुत डेंजर है। एक के बाद दूसरी बीमारी आती रहती है। इसीलिए आप उपवास पर थोड़ा ध्यान दो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा खाना मतलब अपने आप से हिंसा करना, हिंसा अपने आप बॉडी पे करना। एक दिन आप करके देखो, आपको खुद ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही स्फूर्ति रहेगी बॉडी में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी सवाल है ज़रूर पूछिए आपके कमेंट्स। धन्यवाद।